बरसों की गुलामी झेली, बस सपना था एक मन में आजाद वतन में रहना, चाहे जो भी लेकिन अब जुल्म और ना सहना। बस एक जुनू था प्यारा, फहराए तिरंगा प्यारा, अब लाल किले की छत से बोलेगा नेता हमारा, जन जन का भाग जगाने संविधान बना था प्यारा। जी हाँ श्रोताओं, गणतंत्र दिवस के इस पावन बेला पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की तरफ से एक बार फिर से बबीता और संदीप आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। हिंदुस्तानी नाम हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। 26 जनवरी ये तारीख अपने आप में इतनी खास है ना संदीप, कि बिना कुछ बोले देश का बच्चा बच्चा इसके महत्व को समझ जाता है। सच में बबीता, आज के दिन राजधानी दिल्ली समेत देश के कोने कोने में खुशियां तिरंगों के रूप में लहराती नजर आती है। वाकई बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग, हर व्यक्ति किसी न किसी तरह से अपने गणतंत्र दिवस का शुक्रिया जरूर अदा करता है। वैसे संदीप, एक बात ये भी खास है कि हम एक ऐसे देश के रहने वाले हैं जहां थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषाओं और संस्कृतियों की विविधता नजर आती है। बिल्कुल, ऐसे में एक विशाल जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला संविधान कितना सहज और विस्तृत होगा, इस बात का अंदाजा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। 15 अगस्त वर्ष 1947 यानी 1947 को भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन इसे विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास ब्रिटिशों द्वारा तैयार किए गए नियम व कानून ही थे। और फिर देश के महान व विद्वान नेताओं ने मिलकर एक ऐसे संविधान को बनाने का बीड़ा उठाया जिसमें हर धर्म, हर जाति और हर संस्कृति को पूरा पूरा सम्मान मिल सके।
9 दिसंबर वर्ष 1946 को हुई भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कई भारतीय नेताओं और ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने भाग लिया था, जिसके बाद भारत को एक नया संविधान देने के विषय में बहुत सी चर्चाएं, सिफारिशें और वाद विवाद होते रहे। और इस तरह कई बार संशोधन करने के करीब 3 साल बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया गया, साथ ही इसे आधिकारिक रूप से अपनाया भी गया। 24 जनवरी वर्ष 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस विस्तृत व लिखित संविधान को दिल से अपनाते हुए इस पर हस्ताक्षर के रूप में अपनी अपनी मंजूरी दी, और फिर 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी को इस संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। वैसे संदीप, यही वो अवसर भी था जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और 21 तोपों की सलामी के बाद इरविन स्टेडियम में तिरंगे को लहराकर भारतीय गणतंत्र के ऐतिहासिक जन्म की सार्वजनिक घोषणा की थी। जी हाँ, इस तरह जिस 26 जनवरी को कभी भारत के पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता था, अब उसे भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तभी से आज तक हर वर्ष पूरे राष्ट्र में बड़े ही गर्व और हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में सार्वजनिक अवकाश होता है और स्कूलों व प्रशासनिक संस्थाओं जैसी हर जगह पर विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। लेकिन बबीता, कुछ भी हो, इस दिन रात को इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, केंद्रीय सचिवालय और संसद भवन ऐसे नजर आते हैं जैसे दिल्ली को किसी दुल्हन का श्रृंगार किया गया हो। सही कहा संदीप, इस दिन देश के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति महोदय इंडिया गेट पर भारत के सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधियों और तीनों सेनाओं की सलामी लेते हैं। इस दिन का एक खास पल तब शुरू होता है जब सशस्त्र सेना के सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र और अशोक चक्र समेत बहुत से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। अब तक बहुत चले हैं हम, अब आगे और है चलना। ये राह बहुत है लंबी, चलते ही चलते रहना। सफल तभी होंगे हम जब सब मिलकर एक बनेंगे, फिर ही तो चैन व खुशियों के घर घर में दीप जलेंगे। क्या बात है संदीप, कितनी खूबसूरत और गहरे शब्दों में तुमने हमारी अगली शख्सियत का परिचय दिया है। अरे नहीं बबीता, इन शब्दों का मोल उनके व्यक्तित्व के आगे शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन श्रोताओं, इन्होंने इस बात को साबित कर दिया था कि गुलामी चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक, समाज परिवर्तन के लिए उसका विरोध जरूरी होता है। सच में आज इस पावन दिन पर 1915 में मणिपुर में एक ऐसी ही कन्या ने जन्म लिया था जो आगे चलकर एक निडर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सामने आई। हम बात कर रहे हैं रानी गेडिन लियो की, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में ही जंगे आजादी में शामिल होकर एक मिसाल कायम की थी। बचपन से ही अपनी संस्कृति और देश प्रेम के कारण इन्होंने क्षेत्रीय क्रांतिकारी नेता हाइपू जदोनांग के साथ शामिल होने का फैसला कर लिया, ताकि अपने देश की महिमा को खंडित होने से रोका जा सके। पर किसी को क्या मालूम था कि बहुत जल्द उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। जी हाँ श्रोताओं, दरअसल ब्रिटिश शासकों ने हाइपू जदोनांग को हत्या के एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें इम्फाल जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन उनका आंदोलन इस फांसी के बाद रानी गेडिन लियू की अगुवाई में और भी तेजी से आगे बढ़ा। रानी ने लोगों को उनकी संस्कृति की रक्षा के लिए प्रेरित करना शुरू किया। 1932 यानी 1932 को असम के हंगरुम गाँव से रानी और ब्रिटिशर्स के बीच लड़ाई शुरू हुई और इस कारण रानी को जिंदा व मुर्दा पकड़ने के लिए उन पर 500 रुपए का इनाम भी रखा गया और उन्हें करीब 17 साल की उम्र में गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनकी जिंदगी का एक लंबा वक्त जेल में ही बीता और आजादी के बाद वर्ष 1948 में इन्हें शिलोंग जेल से रिहा कर दिया गया। करीब 14 साल जेल में बिताने के बावजूद रानी के हौसले कमजोर नहीं हुए थे
और इसीलिए उन्होंने अपना कैंप ट्यूनसैंग जिले के यिमरुप गांव में लगाया। देश आजाद था लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी लोगों को सांस्कृतिक गुलामी से आजादी नहीं मिल पाई थी, इसीलिए यहीं से इन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन शुरू कर दिया। 1966 में रानी एक सामाजिक कार्यकर्ता व धार्मिक नेता के रूप में सामने आई और सरकार के साथ समझौता कर अपने सभी हथियार उन्होंने वापस समर्पित कर दिए। नागा समाज के उत्थान के लिए रानी ने अपने स्तर पर बहुत से प्रयास किए। इसके तहत इस समाज के लोगों के बीच कपड़ों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए नायलॉन और कॉटन धागों को तैयार करने का प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। साथ ही इन्हें पारंपरिक नाच व गाने आदि की सीख भी दी जाने लगी ताकि वो अपनी संस्कृति की पहचान देश में बना सके। रानी माँ के प्रयास सफल रहे और नागा प्रजाति को देश में अलग पहचान मिली। वो जहाँ से भी गुजरती वहाँ पर उनके दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था। विश्व महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करने के साथ साथ समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा को देखते हुए ही भारत सरकार ने 1982 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जबकि मरणोपरांत इन्हें 1996 में बिरसा मुंडा पुरस्कार से नवाजा गया। रानी गेडिन ल्यू के सम्मान में ही हर वर्ष 8 मार्च को भारत सरकार द्वारा स्त्री सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, जिनमें देश की उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जो रानी के नक्शे कदम पर चलते हुए समाज व देश निर्माण में अहम योगदान कर रही हैं। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हमारी पूरी टीम आजादी की इस देवी को तहे दिल से श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। पता है बबीता, आज का दिन वाकई में अपने आप में बहुत खास है। हाँ संदीप, वैसे कई बार ऐसा होता है कि शारीरिक रूप से अशक्त लोग अपने आप को कमजोर मानकर चुप बैठ जाते हैं, जबकि कुछ इस कमजोरी के बावजूद देश का सिर गर्व से ऊंचा करने में पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल, ऐसे लोगों ने हर बार साबित कर दिखाया है कि मन के हारे हार है और मन ही के जीते जीत। मतलब ये कि अगर हम कुछ करने की ठान लें तो उसे पाना मुश्किल तो हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। आज ही के दिन 1988 में जन्मे गिरीश होसा नागरा जिगोड़ा वो नाम है जिसे भारतीय एथलीट की दुनिया का एक जगमगाता सितारा माना जाता है। एक ऐसा सितारा जिसने अपने मन की रोशनी से हर बार देश का नाम भी रोशन किया है। 2012 में लंदन पैरालंपिक में गिरीश ने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया बल्कि देश को रजत पदक भी दिलाया। ये पदक इन्होंने पुरुषों की ऊंची कूद में हासिल किया था। गिरीश ने ये जीत 1.74 मीटर की ऊंची कूद के दौरान इस्तेमाल की गई सीजर्स टेक्निक की मदद से हासिल की थी। इस टेक्निक का इस्तेमाल एथलीट हाई जंप के लिए करते हैं, जिसमें वो अपनी बॉडी को इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो क्लिपर्स रूपी बाधा को सही दूरी से पार कर सकें। इस जीत के बाद वो पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाले 8वें भारतीय बन गए थे। जीत का सबसे पहला स्वाद गिरीश ने राज्य स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के दौरान चखा था और पता है श्रोताओं, इस वक्त इनका मुकाबला सामान्य खिलाड़ियों से हुआ था। इसके बाद अपनी जीत की यात्रा जारी रखते हुए इन्होंने नेशनल हाई जंप चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें पहली जीत मिली वर्ष 2006 में आयरलैंड में हुई जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान। इस वक्त गिरीश ने कांस्य पदक हासिल किया था, जबकि इसके बाद इन्होंने कुवैत और मलेशिया में हुए खेलों में स्वर्ण पदक के साथ देश का गौरव बढ़ाया था। अब तक गिरीश ने ये साबित कर दिया था कि मौका मिले तो उन जैसे बहुत से लोग देश के सम्मान को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें वो जरूरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं और इसी वजह से उन्हें एक अंधेरी जिंदगी बिताने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गिरीश के पिता का कहना है कि वो बचपन से ही स्कूल और खेल दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन परिवार की जिम्मेवारियों के बीच वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते थे। इसीलिए गिरीश ने भी अपने परिवार को समझा और बेंगलोर स्थित एक बैंक में नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ खेलों के लिए भी वो लगातार प्रशिक्षण लेते रहे और फिर वो दिन भी आया जब उन्होंने खेलों से अपने प्रेम के कारण नौकरी को छोड़ दिया
ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त प्रशिक्षण को दे सके। गिरीश देश के ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने आप को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के काबिल बनाया, बल्कि उन लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी बने जो उन्हीं की तरह शारीरिक विषमताओं से जूझ रहे हैं। वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा गिरीश को उनके योगदानों के लिए चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। आत्मविश्वास से लबरेज देश के गौरव के रूप में गिरीश होसनागारा नागराजे गौड़ा को आज उनके जन्मदिन पर हमारी पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। संदीप कहते हैं कि जब दुनिया वाले आपके भविष्य के रास्ते में अड़चन बन जाएं, तो उन्हें जवाब देने का सबसे बेहतर तरीका आपका हुनर ही होता है, जो किसी न किसी रूप में आपकी मेहनत व लगन के साथ सामने आकर सभी की जुबां खामोश कर देता है। बिल्कुल सही बबीता, आज ही के दिन वर्ष 1892 में टेक्सास में एक ऐसी ही महिला का जन्म हुआ था जिन्होंने अपने हुनर से एविएशन इंडस्ट्री के इतिहास में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जी हाँ श्रोताओं, बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में अब हम बात कर रहे हैं बेसी कोलमन की, जिन्हें इतिहास की पहली अश्वेत महिला पायलट के रूप में जाना जाता है। बेसी कोलमन जब 12 साल की थी तब उन्होंने टेक्सास के एक मिशनरी चर्च में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बेसी ने अपना रुख किया ओक्लाहोमा की तरफ और फिर ओक्लाहोमा कलर्ड एग्रीकल्चरल एंड नॉर्मल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करने लगी। पर किस्मत ने तो बेसी के लिए कुछ और ही सोच रखा था और इसीलिए इस यूनिवर्सिटी में वो सिर्फ एक ही सत्र पूरा पढ़ सकी। इसके बाद आर्थिक परेशानियों के चलते इन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ गया। 1916 यानी 23 साल की उम्र में बेसी शिकागो आ गई और अपने भाइयों के साथ रहना शुरू कर दिया। अभी शिकागो आए उन्हें थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के पायलटों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और फिर यहीं से उनका रुझान एविएशन जगत की ओर बढ़ता चला गया। 1922 के दौरान जाति और रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव अपने चरम पर था। ऐसे में बेसी द्वारा बतौर अश्वेत महिला पायलट का लाइसेंस प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं था। बेसी कोलमन सिटिंग बिहाइंड द व्हील ऑफ द प्लेन वाज अ साइट टू बी सीन। She was a small little woman, you know, but she'd go up in that aircraft and she'd do her loops and her flips and, you know, recover from stalls at the very bottom and blow everybody away. There's no one like her. There was no one who had this internationally recognized flying license and at the same time was a young black woman. And for a blazingly short time, she was the most extraordinary woman in American culture. Particularly for African Americans. जिस वक्त उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लाइंग स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए आवेदन किया तो उन्हें सिर्फ इसलिए प्रतिबंधित कर दिया गया क्योंकि वो एक अश्वेत महिला थी। लेकिन बेसी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने फ्रेंच सीखना शुरू कर दिया। इसके बाद वो फ्रांस पहुंची और वहां से अपने मकसद को पूरा किया। वैसे पता है बबीता, बेसी ने ये सफलता फ्रांस के प्रतिष्ठित क्वाड्रन ब्रदर्स स्कूल ऑफ एविएशन से मात्र 7 महीने के भीतर ही हासिल कर ली थी। पायलट लाइसेंस प्राप्त करने के बाद जब बेसी कोलमन यूएस वापस लौटी तो उनके फ्लाइंग स्टंट्स और पैराशूटिंग स्टाइल देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। किसी को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे कोई इतनी जल्दी इतना निपुण हो सकता है, खासतौर पर कोई महिला। वर्ष 1922 में अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत महिला यानी पहली अफ्रीकन अमेरिकन महिला ने सार्वजनिक रूप से अपनी हैरत अंगेज उड़ान का प्रदर्शन किया था। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितने भी साहसी हो पर मौत के आगे किसी की एक नहीं चलती। 30 अप्रैल 1926 में मात्र 33 वर्ष की उम्र में ही एक दुर्घटना के दौरान बेसी कोलमन की मृत्यु हो गई। उनके मन में अफ्रीकन अमेरिकन यानी अश्वेत लोगों के लिए एक फ्लाइंग स्कूल बनाने की चाहत भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन उनका नाम अभी भी एविएशन क्षेत्र की अग्रणी महिलाओं में शुमार किया जाता है। Born to remember, born
और श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपसे ले आज के एपिसोड में अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा परछाई सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा परछाई सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह,